मुझे नहीं पता है कि आप पैरानॉर्मल एक्टिविटी या फिर गोस्ट पे बिलीव करते हो, बट जो हमारे BTS के मेंबर जोंगकुक हैं, उन्हें इन सारी चीजों के बारे में जानने में और एक रियल गोस्ट को देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। जोंगकुक इन सारी चीजों को लेकर इतने ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि उन्होंने अपने घर में एक गोस्ट को बुलाने के लिए पूरी तैयारी भी कर चुके थे। बट आगे उनके साथ क्या हुआ, क्या वो रियल में एक गोस्ट से मिले या फिर नहीं, इन सारी चीजों के बारे में जानने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर ले। आज सुबह में ही जोंगकुक वीवर्स पे लाइव आए हुए थे, जहां उन्होंने आर्मीज के साथ एक बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करा। उन्होंने कई सारे सॉन्ग्स को भी प्ले करे और उसे गाए भी। इन सारी हैप्पी मोमेंट के बीच में जब एक आर्मी ने जोंगकुक से बोला कि जोंगकुक आपके पीछे कौन है, तब जोंगकुक ने अपनी एक रियल गोस्ट स्टोरी आर्मीज के साथ शेयर करी। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही आप सभी को बता दिया था कि जोंगकुक को गोस्ट में कितना ज्यादा इंटरेस्ट था। जोंगकुक को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज एंड भूतों में इतना ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया था कि वो रियल लाइफ में इन्हें देखने के लिए काफी सारी चीजें भी ट्राई करने लगे। जोंगकुक ने ये भी बताया कि वो एक बार इतने ज्यादा एक्साइटेड हो गए गोस्ट को देखने के लिए कि उन्होंने रात के 2 बजे अपने घर के सारे लाइट को ऑफ कर दिए और उसके बाद उन्होंने उन सारी चीजों का इस्तेमाल किए जो कि एक गोस्ट हंटर करते हैं गोस्ट को बुलाने के लिए। बट उस टाइम लकीली हमारे जोंगकुक के साथ कुछ नहीं हुआ। जोंगकुक ने बताया कि उस टाइम उनके साथ कुछ नहीं हुआ था, बट इसके बाद उन्होंने एक बार शायद गोस्ट को देखा था, जिसकी स्टोरी भी उन्होंने आर्मीज के साथ शेयर करी थी। वैसे जोंगकुक अपने लाइफ में ऐसी एक्टिविटीज ना ही करे तो ज्यादा बेहतर होगा। आपको जोंगकुक की लाइफ की छोटी छोटी बातें जानकर कैसा लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना, और क्या आप पैरानॉर्मल एक्टिविटीज या फिर भूतों पे बिलीव करते हो, हाँ या फिर ना, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना।